नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं नेचर पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली सीयूटी यूजी के बाद अब सीयूटी पीजी का फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। बहुत दिनों से आप लोग परेशान थे, इंक्वायरीज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, और एक बात आप लोग ने देखा होगा, दो दिन पहले ही मैं आपको एक वीडियो माध्यम से बताया था कि सीयूटी पीजी का जो फॉर्म है वो सडन आप तक पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि सडन पता चलेगा कि अरे यार फॉर्म तो अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि आजकल एनटीए और यूजीसी बहुत सारे ऐसे डिसीजन सडन ले रहा है, कानों कान किसी को खबर नहीं हो रही है, और आज फाइनली 20 तारीख और आपका फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। और इसका इंफॉर्मेशन ऑफिशियली हमारे यूजीसी के चेयरमैन अंजय कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया है कि आपका जो फॉर्म है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी आज 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और एक महीने का पूरा टाइम दिया गया, 19 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आज इस वीडियो में आप लोग ये सब बातें जान पाओगे कि फॉर्म कब भरना है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से ऐसे रिजर्वेशंस हैं जिसको आपको जानने के बाद ही जाके फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पे पहली बार आया हो तो उनको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीजू पाठशाला पे आपको कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, और फाइनली आपके यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो मिलने वाले हैं। अरे हमारे यहाँ कोर्स भी रन करता है, आपको चाहो तो बीजू पाठशाला पे ये पीजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये तो यूजी का है, बट इसी तरीके से हमारे यहाँ पीजी के पार्ट वन एंड पार्ट टू के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें कंप्लीट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपके सेशंस रखे गए हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, एक बार आप लोग डेमो जरूर लीजिए, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हाँ ये नंबर है, आप लोग प्लीज इस नंबर को अपने यहाँ सेव कर लें, 9519383272। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा अपने नेम एंड कोर्स के साथ और पूरा डिटेल ले लीजिएगा। अब हम लोग चलिए जानते हैं कि आज आपको क्या क्या पॉइंट समझने हैं। सबसे पहले आज आपका फॉर्म 20 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि फॉर्म अभी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, देखो इधर कहीं इन्होंने लिंक भी दे रखा हुआ है, ये देखो इनकी कोर्स लिस्ट है, ठीक है, और ये इनका एक ब्रोचर है, एक नोटिस बोर्ड है, एक तरह समझ लो, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 20 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 19 अप्रैल तक रखा गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका, चूंकि दो प्रोसेस होता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा पेमेंट, तो पेमेंट डेट लाइन रखी गई है 19 तारीख को ही रखी गई है, ठीक है। और बाकी के बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि भी टू बी अनाउंस लिखा हुआ है। आपका जो पेपर का ड्यूरेशन रखा गया 120 मिनट्स रखा गया, क्योंकि पार्ट वन एंड पार्ट टू दो है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25 आपका पार्ट वन में होता है और 75 आपका पार्ट टू में होता है। ये पूरा डिटेल्स में सीरीज ले आऊंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पीजी के बच्चे प्लीज, चाहे बीएड हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे मास्टर्स में एमए हो, चाहे आपका एमएससी हो, इन तमाम कोर्सेज का पूरा डिटेलिंग में ले आऊंगा। सो आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑफिस देखो, यहाँ पे लिंक है cut.nta.nic.in। CUET का यूजी का जो वेबसाइट है वो इससे अलग है, कंफ्यूज मत होना, दोनों की वेबसाइट अलग अलग रखी गई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे जैसे CUET डालोगे ना, दोनों वेबसाइट नीचे ऊपर आ जाएगा, तो आप सोचोगे कि यूजी वाला ओपन कर ले, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे NTA लगा हुआ है, वहां पे summer.ac लगा होता है, आप इसको क्लिक करो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, और आप कुछ भी ओपन करोगे तब यहाँ पे ओपन नहीं दिखाएगा, तो सिलेबस भी अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट फॉर्म, और अभी मैक्सिमम चीजें अभी जो है वो पेंडिंग है, इट मींस कि भी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले की न्यूज है। और जैसे ही चीजें आती हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि 24 आवर्स के पहले प्लीज फॉर्म मत भरना, आप बहुत स्मार्ट हो फिर भी इंतजार करना, क्योंकि होता है क्या है ना कि ये सब ऑफिशियल वेबसाइट जनरली अपडेटेड नहीं होते हैं, बहुत सारे आइकन नहीं शो करेंगे, कई बार आपके फोटो सिग्नेचर के आइकन नहीं शो करेंगे, कई बार यूनिवर्सिटी की लिस्ट नहीं शो करती, जैसे लास्ट टाइम बीएचयू की लिस्ट नहीं मिल रही थी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। तो प्लीज आप लोग इंतजार करना, मैं आपको जैसे जैसे स्टेप्स बताऊंगा वैसे फॉलो करते जाना। अभी बस अपने कॉन्शियस माइंड में इतना डाल लो कि हाँ फाइनली आपका फॉर्म आ चुका है, इट मीन्स आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ये रहा आपके लिए आज खास न्यूज, बीएचयू पाठशाला प्लीज सब्सक्राइब करें और बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करें, चाहे एमए हिस्ट्री हो, एमए संस्कृत हो, एमए फिलोसफी हो, एलएलबी हो, बीड ह्यूमैनिटीज हो, ये तमाम कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है। सो बीएचयू पाठशाला ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे हर तक अवेयरनेस पहुंच सके, हर जगह अपडेट पहुंच सके, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।